वचनबद्ध रहेगी। देखिए आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये समाजवादी पार्टी जाने से ली जा रही है। पिछले दिनों एक हफ्ते से दो हफ्ते से शहर में कुछ क्या एक या दो लोगों की तरफ से कुछ गलत तरीके के आरोप आमदार रईस शेख साहब के काम के ऊपर, उनके कैरेक्टर के ऊपर और समाजवादी पार्टी के ऊपर लगाए जा रहे थे। तो आमदार साहब का तो कहना था कि मैं सफाई नहीं दूंगा, लेकिन बहसीयत समाजवादी पार्टी की हमारा काम बनता है कि हम हमारे आमदार की तरफ से जो बातें हैं आपके सामने और शहर के सामने, बिलखसूस हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम जो ले रहे हैं हम हमारे उन वोटर्स के लिए, उन शहरियों के लिए ले रहे हैं जो समाजवादी पार्टी और अबुआसी माधवी और रईस शेख पर भरोसा करके जिन्होंने वोट दिया शहर के विकास और तरक्की के लिए। हम उन लोगों को कोई जवाब देना नहीं चाहते जो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। पहले ये बात मैं स्पष्ट कर सकूँ, आरोप ये लगा पिछले दिनों कि रईस शेख साहब ने पिछले एक साल में 2020-21 में कॉरपोरेशन को एक भी रुपया निधि नहीं दी। मैं आपको बताना चाहता हूँ और दूसरे नगर सेवक दूसरे आमदार का उन्होंने बताया कि ये आमदार ने इतना दिया, ये आमदार ने इतना दिया। रईस शेख साहब अक्टूबर 2019 में इलेक्शन जीते, 90 दिन से लेकर 100 दिन तक हुकूमत बनने में लग गए, उसके बाद सीएनआरसी का मुद्दा गरमाया और जिस वक्त निधि वितरण का टाइम था उसी वक्त कोरोना का कहर पूरी दुनिया पर नाजिल हो गया, तमाम निधि रुक गई, किसी को कोई निधि नहीं दी गई और सब लोग लॉकडाउन के चक्कर में फंस के दूसरे गाँव में लग गए। वो लॉकडाउन के अंदर रईस शेख साहब ने, जो कि भिवंडी के लोग बोलते हैं कि बाहर के थे, भिवंडी के लिए इतना काम किया कि हज़ारों हज़ार लोगों को हम लोगों ने अनाज की किट्स पहुंचाई, डेली सुबह शाम 5-5 हज़ार आदमी का खाना हम लोग तैयार करते थे आमदार साहब की तरफ से और शहर में उसका वितरण होता था। मस्जिद मंदिर के जो पुजारी और जो इमाम और जो मौसिन थे उनके जो भी अखराजात थे वो रईस शेख साहब ने पूरे किए। उसके बाद कोरोना काल के अंदर इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे, बेड नहीं मिल रहे थे, उस टाइम पे रईस शेख साहब ने नायर हॉस्पिटल जो कोविड बन चुका था, भिवंडी के जो मरीज थे कोरोना के उनके लिए वहाँ पे बेड फिक्स करवाए, थाना कोविड हॉस्पिटल में बेड फिक्स करवाए, रेमडी इंजेक्शन और एक्टेमरा इंजेक्शन जो हाहाकार मची हुई थी आप यकीन कीजिए कि वो जिस रेट में आता था उस रेट से भी कम पैसों में रईस शेख साहब ने भिवंडी को प्रोवाइड किया। यहाँ तक के सेना और बीजेपी के कुछ लोगों से मेरी जो बातचीत हो रही थी उनका कहना था कि हमारे लोग इतना काम नहीं कर रहे हैं जितना एक बाहर का आदमी आके जीत के काम कर रहा है। देखिए बात सिर्फ निधि की नहीं होती कि निधि दी या नहीं दी, वो शहर के लिए कितना इफेक्टिव है, कितना फायदेमंद है, पानी का मुद्दा, गटर, नाली, पाथरेज, ये नगर सेवक के काम थे। और हमारे पास जो कंटिन्यू लोग आते हैं वो देखेंगे जिस दिन रईस शेख साहब यहाँ आते हैं मेजॉरिटी की तकलीफ पानी, गटर, साफ सफाई की और आईजीएम की रहती है। तो हम वो भी काम करते हैं जो नगर सेवक के थे। अब जब नगर सेवक काम मैंने किया रईस शेख के फ़ोन पर या रईस शेख के बोलने पे अगर एक गटर साफ होती है या कचरा उठता है तो अगर वहाँ मेरा कोई कार्यकर्ता खड़े रहकर वो काम कराता है, और आज सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर वो अपना फ़ोटो रईस शेख के थैंक के साथ डालता है तो लोग कहते हैं कि रईस शेख का फ़ोटो आया। जब काम रईस शेख ने किया तो रईस शेख का फ़ोटो आएगा, उसके कार्यकर्ता का फ़ोटो आएगा। नगर सेवक का मसला क्या है कि नगर सेवक को सामने अब जवाब देना है साल भर बाद। रईस शेख साहब को तो साल भर 4 साल बाद जवाब देगा उन्होंने क्या किया है, और रईस शेख साहब अपना जवाब दे देंगे 4 साल बाद। लेकिन जो लोग आज ये बात करते हैं कि रईस शेख ने क्या किया है, पहले फ़र्ज ये बनता है कि वो ये बताए कि पिछले 4 साल में उन्होंने क्या किया है, क्योंकि उनको जवाब देना है 2021 में 22 में उनको जवाब देना है। तो वो उस घबराहट को छुपाने के लिए रईस शेख साहब पे अलगाम लगाया कि रईस शेख साहब ने पिछले साल एक साल के अंदर कोई निधि नहीं दी। देखिए उन्होंने पेपर बता के बात की तो मैं भी पेपर से ही बात करूँगा। ये भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका का लेटर है। इसके बाद जो देखिए ये एक लेटर है, ये नीचे कुछ फिगर लिखे हुए 3,76,78,000 रुपये आप लेते रहेंगे लिखा हुआ। ये वो फंड है जो दिसंबर में 2020 में नगर पालिका को हमने कलेक्टर की मार्फत दिया है। अब नगर पालिका कोविड का बहाना बना के फंड को उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, कोविड में सब लोग थे और काम में लगे हुए थे, कोई नया काम हो नहीं रहा था। ये 3,76,78,000 रुपया भिवंडी ईस्ट में शमशान भूमि, कब्रस्तान, मस्जिदों के सामने फुटपाथ, रोड, रस्ते और जो इंटरनल गलियां उनके फुटपाथ के ऊपर खर्च होने वाला है ये पैसा। तो जिस तरह जो आरोप लगाया गया, पहले ही आरोप लगाया गया 1 रुपया नहीं दिया, लेकिन जब जुबैर शेख ने जब अपनी बात रखी
तो बात को घुमा के बात की गई कि हमने ये नहीं कहा कि रुपया नहीं देखिए दिया गया, हमने ये कहा कि काम नहीं होगा। देखिए काम करना ना आमदार का काम नहीं है, आमदार का काम है निधि प्रोवाइड करना। एजेंसी कौन सी है? महानगर पालिका। अगर महानगर पालिका वक्त रहते हुए पूरा फंड शुरू से इस्तेमाल कर लेती या वर्क शुरू करती तो ये बात कहने की नहीं सूती कि काम नहीं किया। ये काम की पूरी तफसील है, ये सब लेटर आपको हम एक एक लेटर अभी आप सबको देने वाले कि क्या क्या काम होने वाला है और क्या क्या फंड हमने दिया है। सर आपने कहा कि नगर पालिका करती, फॉलोअप देने की जिम्मेदारी किसकी? फॉलोअप हमारी, हमारा पूरा फॉलोअप है, उसके लेटर्स हमारे पास है फॉलोअप के। देखिए एक सिस्टम होता है, निधि आती है कलेक्टर ऑफिस पे, यहाँ से हमारी फाइल बनती है। फाइल आप यकीन कीजिए कि इनके पास इंजीनियर नहीं थे जो हमारे को जो कोटेशन बना के दे, हमने हमारे दो इंजीनियर अपॉइंट किए और उनसे कोऑर्डिनेट करा के हमने उनके कोटेशन बनाए, हमारे लोगों ने उसको फॉलोअप दिया, फाइलें कलेक्टर ऑफिस पुटअप की गई, वहाँ से इनको एडीएम लाकर दिया गया। अब जाके 5 से 10 वर्क ऑर्डर हो चुके हैं कामों के और कुछ वर्क ऑर्डर अभी होने वाले हैं। तो फॉलोअप पूरा था लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोरोना की वजह से तमाम जगह जो मामला चल रहे थे उस वजह से काम डिले हुआ। जो लोग कह रहे काम नहीं हुआ साल भर, तो वो तो बताए कि उन्होंने 4 साल में क्या किया। खुद का महापौर होने के बाद कांग्रेस पार्टी का, खुद के 50-52 नगर होने के बाद उनकी ये हालती के काम नहीं होने का आरोप लगाकर के हमारे महापौर ने काम नहीं किया, यह आरोप लगाकर उनके नगर सेवकों ने उनके आदमी को छोड़ के एक नया एक आज़ाद आदमी को, आज़ाद पार्टी के शख्स को महापौर बनाया इस आरोप के साथ कि हमारे लोग काम नहीं करते। तो जब तुम्हारे खुद इतने छेद है छन्नी में, सूप बोले थे बोले छन्नी क्यों बोले जिसमें 70 छेद है, उन्होंने महापौर को इस वजह से वोट नहीं दिया कांग्रेस के नगर सेवकों ने, कांग्रेस काम नहीं कर रही है शहर के अंदर। तुमने जब काम नहीं किया 2.5 साल में रोड को खंडर में तब्दील कर दिया शहर को, तो आरोप लगाने से पहले अपने गरीबान में छापना चाहिए कि हमने क्या किया, उसके बाद आप आरोप लगाते। और नवद नगर सेवक में अगर एक या दो आदमी कुछ बोले तो मुझे ये लगता है कि वो बहुत ज़्यादा डर का शिकार है, क्योंकि इस बात का सबसे ज़्यादा खौफ है नवद में कि कहीं मैं अगला इलेक्शन हार ना जाऊँ, ये खौफ बुलवा रहा है उनका। बाकी उनकी रईस शेख से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है और ना रईस शेख से उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी है, तो एक खौफ है उन लोगों में जो ज़्यादा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अगले साल वो कहीं माजी ना हो जाए। बाकी 88 जो नगर सेवक बचे हैं वो लोग तो कुछ नहीं कह रहे, वो तो खामोश है। तो ये उनका डर और खौफ बोलता है कि उनको कहीं अगले साल उनके जो उन्होंने काम नहीं किया है और जो वो पब्लिक में नहीं जा पाए हैं वो खौफ है जिसकी वजह से वो नगर सेवक। उन्होंने जो लेटर इशू किया था महानगर पालिका का जो साइन बताया था, उन्होंने कहा कि हमने माहिती के अंतर्गत ये पूछा है कि किसी तरह, तो उसके बारे में ज़रा खुलासा कीजिए। बिल्कुल, देखिए मैंने कहा ना कि माहिती में क्या दिया उन्होंने कि उन्होंने पैसा खर्च नहीं किया, तो पहले जो आरोप था कि उन्हें 1 रुपया दिया नहीं। हाँ। दूसरे वीडियो में क्या कि अभी काम नहीं किया, तो काम नहीं किया मतलब पैसा हमने दिया, ये मैं उसके लेटर दे रहा हूँ आपको। अब वो चीज़ें कोई झूठी माहिती अगर दी है तो उस पर जो कानूनी कार्रवाई करना है वो तो हम करेंगे, हमने वो पत्र मंगाया है कि आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, ये पूरी लिस्ट है काम की, एक एक काम की तफसील है, एक एक काम का पैसा लिखा हुआ है। हमारे EDM जो कलेक्टर ऑफिस से आते हैं वो इसके अंदर है, हम भी तो पेपर के इस पर ही बात कर रहे हैं। बोलने का मतलब ये है कि जवाब देना आमदार साहब ज़रूरी नहीं समझते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी जवाब देना इसलिए भी ज़रूरी समझती है कि समाजवादी पार्टी शुरू दिन से, जिस दिन से समाजवादी पार्टी शहर में आई है, समाजवादी पार्टी शहर के लड़ी है, इस धरने मोर्चा हमारी पहचान रही है, धरने मोर्चा समाजवादी पार्टी की पहचान है, तोड़ी पानी समाजवादी पार्टी की पहचान नहीं रही है। और अबू आसिम आदमी का जो ध्यान और जो लक्ष्य था, बिल्कुल आसानी से रईस शेख जो है तो भाई कलर से इलेक्शन जीत रहे थे, उसके बाद भी भिवंडी में ला के उनको इलेक्शन लड़ाना और एक रिस्क लेना, ये अबू आसिम आदमी ने इसलिए किया है कि अबू आसिम आदमी को शहर से मोहब्बत थी और अबू आसिम आदमी चाहते थे कि रईस शेख अगर आएंगे तो रईस शेख शहर के विकास के लिए काम करेंगे। रईस शेख ने काम किया नहीं किया, रईस शेख को 4 साल के बाद इस बात का जवाब देना पड़ेगा, लेकिन अगले साल जिन लोगों के इलेक्शन होने वाले हैं वो अपनी तैयारी कर ले कि उन्होंने क्या किया है, ये शहर उनसे पूछेगा, ये समाज उनसे पूछेगा, उनका वार्ड उनसे पूछेगा। और समाजवादी पार्टी अभी जितने भी वार्ड है उन वार्ड का सर्वे कराएगी, आप लोग के जरिए होगा और आप जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, किसने कितना काम किया आपका है। जो नगर सेवक जीते रईस भाई ने कल कहा कि वो भी लोक प्रतिनिधि है, उनका भी हक बनता है मेहनत करने का। होता यह है कि हम लोग जो है जातियात पे नहीं जाते हुए, चाहे दुबेर हो चाहे मैं हूँ चाहे जो भी हो, जितने की दुबेर पंडा का है किसी टोपी का, शहर में अलग अलग नाम लोगों के दिए हुए रहते हैं जो पीछे निकनेम के तौर पर हम दूसरों को बोलते रहते हैं, लेकिन पर्सनल अटैक किसी पर नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने भी किया तो मेरा काम है कि बड़ा दिल करके उसको माफ़ करूँ, मैं उसको पर्सनल अटैक नहीं करूँ।
किसी ने किया तो उसकी तरबियत थी, मैं उसको नहीं करूँ, ये मेरी तरबियत है। कोई अगर बुरा है तो मैं साथ बुरे के साथ बुरा बन जाऊँ तो ये मुनासिब बात नहीं है। और रही बात टोपी की और वो दीन धर्म से जोड़ना, तो कांग्रेस का पुराना खेल है, नया खेल नहीं है कि टोपी को और तिलक कोको को वो कैसा धर्म से जोड़ के उसकी राजनीति करती है कांग्रेस, तो नया काम नहीं है। और ये शरारत ठीक करेंगे, जुबेर का इंटेंशन उसमें ना टोपी की टोपी का मजाक उड़ाना नहीं था, बल्कि आरिफ भाई हमारे जो है तो आरिफ खान उनको हम दादा भी बोलते हैं, अभी मैं दादा बोलूँगा तो मैंने दादा बोला, आरिफ खान को हम दादा भी बोलते हैं, तो वो टोपी पहनते हैं तो उनको अब चलो आरिफ टोपी या आरिफ दादा ऐसा बोलते हैं। तो जुबेर ने वो एक लय में जो टोपी बोला है उसके जवाब में आरिफ भाई ने जो दूसरी भाषा इस्तेमाल की तो उन्होंने भी नहीं करना चाहिए थी। मैं सबसे ये बोलूँगा कि रईस शेख एक जो है तो काम का आदमी है, आप उनसे काम लीजिए, वो आपके यहाँ आपके इलाके में काम करने के लिए आए हैं, उनका चाह उनकी सोच है कि मैं भिंड को एक नई तरक्की दूँ, एक नई दिशा दूँ। शहर बम्बई से 50 किलोमीटर दूर होने के बावजूद, सिर्फ 50 किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी शहर जो है किसी बहुत झारखंड बिहार या और दूसरा कोई बहुत पसमानदा इलाका होगा वैसे शहर का मंजर पेश करता है। तो जो भी शहर में काम हो रहा है, काम की जो स्पीड बढ़ी है उसका पूरा श्रेय चाहे ड्रेज का काम हो, भले पास 2012 में हुआ हो 2007 में हुआ हो, लेकिन काम को गति देने का काम जो है वो रईस शेख ने किया। अगर आपने स्पीड की बात की तो आमदार निधि जो 1 करोड़ पास होता है उसका क्लैप्स कितने दिन में होता है? पूरा उसका 6 महीना होता है, 3 से 6 महीने टाइम लेता है आपका 1 करोड़। लेकिन कोरोना की स्थिति में इमरजेंसी हालात है तो गवर्नमेंट उसके ऊपर कुछ नए रूल्स बनाएगी, तो काम को स्पीड दी, चाहे वो ड्रेज का काम हो, साफ सफाई का काम हो, अपने पानी के मसाइल हो, पानी के लिए भी काफ़ी पैसा दिया है। और एक बहुत दिन से हमारी एक तमन्ना थी कि शांतिनगर रोड जो है वो जाके डेड एंड हो जाता है पाइपलाइन के पास, तो तमन्ना थी कि एक वहाँ से फ्लाईओवर हो जाता तो हमको जाने आने में आसानी होती, तो उसका NOC उन्होंने ला कर दिया है, उसका 17 करोड़ रुपया PWD ने उसका बजट बनाया और बजट लाने की कोशिश चालू है, काम होगा उससे ज़्यादा होगा। लेकिन कोरोना के हालात में देखिए कि आज जब हम ऑक्सीजन नहीं सप्लाई कर पा रही है गवर्नमेंट, जब बेड नहीं दे पा रही है गवर्नमेंट, जब इंजेक्शन नहीं दे पा रही है गवर्नमेंट, तो आप सोचिए ना ऐसे हालात में रोड रास्ता में जाके अगर मैं मांगू उनसे तो एक बेतुकी की बात होगी नहीं होगी, हालात बहुत इमरजेंसी के हैं। तो इंशाल्लाह जितने काम पास में 30 काम है, ये 30 काम 1 महीने के अंदर हम पूरी तरीके से चालू कराने की कोशिश करेंगे। दुआ कीजिए कोरोना का प्रकोप खत्म हो जाए, कोरोना का जो मसला है थोड़ा सा खत्म हो जाए तो हम सारे काम करेंगे। और शहर को मैं जानता हूँ कि अबुआसिम आजमी से और रईस शेख से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। रईस भाई जब जीते थे मैंने उनसे कहा था ये बात कि रईस भाई एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है हमारे से लोगों का, हमको उनको उम्मीदों पे पूरा उतरना बहुत मुश्किल काम होता, लेकिन वो चाबुक खा के चलने वाला घोड़ा है, वो जब तक चाबुक नहीं पड़ता है काम नहीं करते। पिछले जो भी आमदार है आमदार थे वो अपने ऑफिस में बैठ के सिर्फ इसको 2 लाख दे दिया और निधि इसको 5 लाख दे दिया, उतना देखे वो 10-15 अपने आदमी जो उनको खुश कर दिया करते थे। रईस शेख का काम इस तरह का नहीं है, रईस शेख साहब ने बड़े बड़े बजट बनाए, 50 लाख का है, 40 लाख का है, 25 लाख का है, कुछ छोटे भी है 2-5 लाख के भी है। रईस शेख साहब ने ये बजट बनाए और इसको डाला है जंग पोर्टल पर, ये कोई भी टेंडर भर सकता है, मेरा मकसूद आदमी या मेरा कोई सिपाही या मेरा कोई कार्यकर्ता टेंडर भरे ऐसा नहीं है, ये जंग पोर्टल पर गया वहाँ से टेंडर भरे गए हैं। महानगर पालिका में स्टाफ की कमी है, मेरे 2 यहाँ पे काजी और एक अनुराग, मेरे पास 2 हमारे जो इंजीनियर रखे हुए हैं, ये महानगर पालिका को हमने दिए कि ये जाते हैं काम देखते हैं उसका जो है तो पूरा इस्टीमेट बनाते हैं बजट बनाते हैं, उसके बावजूद अगर महानगर पालिका काम नहीं करती है तो महानगर पालिका से रईस भाई और मेरे से ज़्यादा हमारे जो पत्रकार भाई है वो ज़्यादा उनसे अवगत है कि वो किस तरह काम करती है, क्योंकि महानगर पालिका अगर अच्छे से काम करती तो शहर का ये हाल नहीं होता। तो कहीं ना कहीं नहीं हर जगह महानगर पालिका ही दोषी है, काम खराब होने में, काम नहीं होने में और काम लेट होने में।